पटना मेट्रो का अपडेट आप लोगों को देने जा रहे हैं। पटना मेट्रो के जीरो माइल स्टेशन का आपको अपडेट देने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि क्या वर्क प्रोग्रेस है। ये देख सकते हैं पाए जो है पटना मेट्रो का मीठापुर बस स्टैंड के तरफ से मलाही पगड़ी के तरफ से आ रहा है और उस पर यू सेफ गर्डर भी उस पर रखता जा रहा है। कई पे रखा गया है, धूप की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देख सकते हैं कि कई पे यू सेफ गर्डर जो है रखा हुआ है और यहाँ पर कई पायों पे रखना बाकी है। ये देखिए पाया नंबर 132 ये वाला है और ये जो है पाया नंबर 133 है। उसके आगे SP1 है, वो SP1 है। अब यहाँ पर देखिए SP1 मतलब स्टेशन पिलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए पाए जो है इनका जो है गोल शेप का यहाँ पाया है और उधर चौकोर है, चौकोर पाए है। जीरो माइल है यहाँ पर, यहाँ पर जीरो माइल के पास से लोग कन्वर्ट होते हैं गया के लिए, बख्तियारपुर के लिए, फतुहा के लिए, हाजीपुर के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, सिवान के लिए, छपरा के लिए, गोपालगंज के लिए, इत्यादि जगहों के लिए यहाँ पर होते हैं। बगल में ISBT है यहाँ पर इस तरफ, उसकी बिल्डिंग भी हमें दिख रही है लेकिन आपको नहीं दिख रही होगी, लास्ट में वो बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा। तो उधर ISBT है यहाँ पर, ये देख सकते हैं लास्ट में जो ग्लास दिख रहा है वो ISBT का है। और यहाँ पर ये पटना मेट्रो के जीरो माइल वाला स्टेशन, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये जीरो माइल वाला स्टेशन होगा, कुछ इस तरह का लुक आएगा इसका। कई पाए हैं, चौकोर पाए जो है SP1 SP2 इस तरह से पाए हैं और पायों पर जो कैप बनाया गया है वो भी उसका पे जो कैप है, इसका जो पियर कैप है, इसके पियर कैप में और उसके पियर कैप में बहुत अंतर है। ये देख सकते हैं पाए की कंक्रीटिंग हो चुकी है और कंक्रीटिंग होने के बाद उस पर पियर कैप बनाने की तैयारियां होगी और जिस पे हो चुका है वो आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह का लुक आएगा, ये आप देख सकते हैं सामने, और उसमें वायर पाइप भी होल में डाला जाएगा। जितना होल आपको दिख रहा है 16 होल है एक तरफ में, तो वो 16 होल में जो है वो पाइप आएगा जो उस तरफ आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे देखिए ये पाइप है इस तरह का, ये सभी होल में पाइप आएगा जैसे यहाँ पे। उसका क्या काम है वो तो जो इंजीनियर है वही जानेंगे, वही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं जीरो माइल स्टेशन का जो वर्क है वो आपके सामने है। यहीं पे संभवतः जीरो माइल स्टेशन होगा, यहीं से मेट्रो रुक करके आगे बस स्टैंड की तरफ बढ़ेगी और यहीं पर उतर करके लोग छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जाने के लिए जाएंगे। हमें तो लगता है कि पटना मेट्रो को भी इधर मुश्किल से हाजीपुर तक मोड़ देना चाहिए। यहां से अगर अंडरग्राउंड नहीं जा सकते हैं तो पटना मेट्रो को यहां से भी हाजीपुर के लिए मोड़ दिया जा सकता है। बस निर्माण हो ही रहा है पुलों का, उसी में एक और एक्सटेंशन जुड़ जाएगा अगर संभव है तो, नहीं तो अंडरग्राउंड वाला कर दे बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो ट्रैफिक है, दबाव है, ट्रैफिक का दबाव है सड़कों पर, वो काफ़ी हद तक के कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ऐसे अंदाज में आपको पटना मेट्रो का स्टेशन का जो ढांचा है कुछ इस तरह से लग रहा है कि दिखेगा ये आने वाले समय में। तो ये तस्वीर है पटना मेट्रो के जीरो माइल वाले स्टेशन की, जहां तक मुझे जानकारी है हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी इधर और भी कंक्रीट होना बाकी है और काम चल रहा है इसका, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पटना मेट्रो का ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। मुझे तो लगता है कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।